नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। खबर यूपी के सोनभद्र से है। यहां कावड़ यात्रा के दौरान हाईटेंशन तार की चपेट में आने से दो कावड़ियों की मौत हो गई, जबकि लगभग दो दर्जन कावड़िये घायल हो गए हैं। आनन फानन में सभी कावड़ियों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। यहां घायलों का इलाज चल रहा है, जबकि तीन कावड़ियों की हालत गंभीर देखते हुए वाराणसी ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया है। दरअसल चौपन थाना इलाके के सोन नदी से जल भरकर गोठानी सोमनाथ मंदिर जल चढ़ाने के लिए कावड़ियों का जत्था ट्रेलर गाड़ी से जा रहा था। इसी दौरान जुगेल थाना क्षेत्र के महलपुर इलाके में पहले ही टूटकर गिरे 11,000 वोल्ट के हाईटेंशन तार में अचानक करंट प्रवाहित हो गया और ट्रेलर के नीचे खड़े कावड़िये इसकी चपेट में आ गए। घटना से अचानक मौके पर भगदड़ मच गई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों के सहयोग से सभी को सीएससी चौपाल लाया गया। यहां पर प्राथमिक उपचार कर 19 कावड़ियों को रॉबर्ट्सगंज जिला अस्पताल भेजा गया, लेकिन जिला अस्पताल पहुंचते पहुंचते रास्ते में ही दो कावड़ियों की मौत हो गई, जबकि बाकी कावड़ियों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। वहीं तीन कावड़ियों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें वाराणसी ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया है। जिला अस्पताल में अभी भी 14 कावड़ियों का इलाज चल रहा है। वहीं सीएससी दुग्धी पर आंशिक रूप से घायल कावड़ियों का इलाज चल रहा है। मामले की सूचना मिलते ही एसडीएम सीएमओ सहित आला अधिकारी जिला अस्पताल पहुंच गए और घायलों के इलाज की व्यवस्था में चौपन ब्लॉक में कांवड़ यात्रा के शोभा यात्रा कोटा क्षेत्र में ये घटना हुई है। बताया जा रहा है कि हाई टेंशन तार के चपेट में आ जाने के कारण करीब 20 लोग घायल हुए हैं। अभी मैं जिला अस्पताल पे पहुंच गया था और करीब 6 लोग अभी यहाँ पे अस्पताल पे आए हैं। साथ ही बाकी भी रिसीव की जा रही है। दो लोगों की मृत्यु हो चुकी थी यहाँ आने से पहले ही, लेकिन बाकी 4 लोग और जो आए हैं वो ठीक हैं। स्थिति उनका इलाज किया जा रहा है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।